अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज बनाते हैं अंडे की मुगलाई। भुजी जैसी होती है पर थोड़ा सा फर्क है। तो ये 8 अंडे ली हूँ मैंने, ये बारीक कटी हुई प्याज, आपको जितना इसमें मसाला करना है उतनी प्याज लीजिए, ये टमाटर और 5-6 हरी मिर्च जो मैंने ऐसे कट करी हूँ, टमाटर भी एकदम बारीक कट करी हूँ, और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, और ये स्टार्टिंग में भगा के लिए राई जीरा और कड़ी पत्ता। ये तेल गरम हो रहा है, अभी गैस की फ्लेम हाई ही है, और ये डाल रही हूँ मैं भगार राई जीरा कड़ी पत्ता। मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई प्याज, एकदम बारीक कटी हुई है, इसलिए ज्यादा लग रही है ये, अभी सब भूज के थोड़ी सी हो जाएगी। थोड़े हल्की सॉफ्ट होने तक के इसको पकाऊंगी मैं, फिर डालेंगे टमाटर हरी मिर्च। अब ये टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दूंगी। इसको थोड़ा अच्छे से और भूनेंगे, फिर इसमें डालेंगे ये हल्दी मिर्च नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर और रखेंगे। सिंगल बैठ देगा, सिंगल डबल नहीं। मतलब बोल दे। देखिए मसाला कितने अच्छे से माशाल्लाह भून गया है। अभी इसको ना हम सब साइड से एक तरफ करके इसको ऐसे उसे एक लेवल में करेंगे इसको ऐसे, और ये थोड़ा थोड़ा चम्मच से ऐसा करके, फिर ये जो मैंने अंडे रखी हुई फोड़ के सब साथ में, ये डाल दूंगी मैं इसमें। इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से ऐसे करेंगे, अब इसको ढक दूंगी मैं। और इसका गैस की फ्लेम भी मैं एकदम लो कर दूंगी और इसको ढक देंगे, फिर 2-3 मिनट में खोलेंगे। देखिए 2-3 मिनट हो गई है लेकिन अभी अच्छे से नहीं हुआ है, तो और इसको ढक देंगे, और अभी इसकी गैस की फ्लेम लो ही है, थोड़े 2-3 मिनट के बाद फिर से खोल के देखूंगी मैं। देखिए फिर 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसको खोल रही हूँ।
माशाल्लाह जैसे चाहिए था वैसी है। अभी इसको ना ऐसे बीच में से कट करेंगे, फिर हम मैं इसको चार हिस्से में करूँगी क्योंकि पलटी करने में आसानी हो। ये ऐसे और इसको ऐसे पलट देंगे, फिर ये इधर से कट करके ये ऐसे इसको पलट देंगे। भुर्जी जैसा ही है लेकिन इसके जो अखे अखे पीस रहते हैं ना खाने में टेस्ट लगता है, अच्छा लगता है। और इसको ऐसे करके ऐसे पलट देंगे, फिर इसको ऐसे करके ये पलट दी मैंने। देखिए सब अच्छे से पलट चुकी हूँ। अब मैं इसको ढक दूँगी, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही पलटूँगी, फिर गैस ऑफ कर देंगे। हमारी अंडे की मुगलाई रेडी। देखिए माशाल्लाह, अब मैं इसको फिर हम इसकी जगह पे लाएंगे जहाँ ये था, तो फिर इसको पलटी कर देंगे। देखिए जल्दी माशाल्लाह। अम्मी हम लोग ने तो दोस्तों को एक खास चीज बताई नहीं। क्या है? अरे जारा की गाड़ी। चलो आपको सबको मैं दिखा दूँ। अभी रुक ना, मैं इधर रेसिपी दिखा रही हूँ। मम्मी की रेसिपी थोड़ी देखने के बाद जारा की गाड़ी भी दिखा दूंगी मैं। वैसे मम्मी आज तुम बना रहे क्या हो? मुगलाई बना रहे। क्या? मुगलाई। मुगलाई, वाओ। देखिए माशाल्लाह, वाओ, दिखने में भी टेस्टी और खाने में भी टेस्टी। लेकिन ये मैं हमजा आपको टेस्ट करके नहीं दिखा पाएगा क्योंकि मैं जा रही हूँ स्कूल, हमजा के टीचर स्कूल, क्योंकि कुछ काम है आज स्कूल में। और आप देखिए अभी जारा की गाड़ी आई, आज नई गाड़ी। मैं दिखाऊंगी, तो यहाँ पे एक बटन है उसको दबाते तो गाना शुरू होता है और ये ऐसे ऐसे चलाओ बूम 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 बूम। और इधर जारा के होदा दे उधर क्या मांगेगा दोस्तों? जारा को बहुत अच्छी लगी थी, उसको भी गाड़ी में बैठने का है, उसने चार बंदी ले ली। चलिए दोस्तों स्कूल चलते, स्कूल चल के हमको बुक लेना है मेरे लिए, हुदा के लिए। माई स्कूल इज सेंट पॉल। तो चलिए दोस्तों आपको आज शायद से दिखाने मिलेगा मेरी सेंट पॉल स्कूल। चलिए दोस्तों हम स्कूल से और घर रिटर्न, हम स्कूल से रिटर्न घर पे जा रहे हैं और स्कूल बंद इसलिए काम नहीं हो पाया। देखिए दोस्तों मैं काला खट्टा मिक्स ब्लूबेरी गोला खा रहा हूँ और उसमें हम लोग ने मध बोलो दोस्तों, और मैंने इसमें मध डाला, मध मतलब शहद, बहुत टेस्टी होता है। तो मैं चाट चाट के ख़त्म कर दिया। ये 7 नंबर की मार्केट है। लव बर्थडे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक लग के अल्लाह हाफिज़। और दुआ में जरूर याद रखिए।